आज उत्तर प्रदेश के जनता शाहजहांपुर में कांग्रेस शक्ति संगठन द्वारा एक मीटिंग को संबोधित किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं लोग जुड़े और पदाधिकारी भी बनाए गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से अपना हाथ पैर फैला रही है और काफ़ी लोग भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस द्वारा। हमारे साथ हमारे मौजूद हैं अभी नेता यूनुस शाह, आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि वो भी इस मीटिंग में आए थे, उन्होंने विचार भी सुने, आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि वो किस तरीके से क्या बताना चाह रहे हैं जी। असल में क्या है कि आज के दौर में जनता क्या चाहती है, एक सुकून, एक शांति, और क्या चाहिए इंसान को। वोट हर आदमी देता है मगर नोट कोई नहीं देता है। अभी किसी को वोट दो मुझे तो आदमी कहता है 10 बार आए कुंडी खटकाने, और जब उससे कोई एक नोट दो तो नहीं देता। आखिरी में हम कमाने जाते हैं, क्या मिलता मुझे, दिन भर काम करते हैं मात्र 300 रुपये। आज के दौर में 300 रुपये में गुजारा कैसे होगा, तो आज के दौर में हम ये चाहते हैं ताकि जितने भी एक जो बड़े आदमी हैं उनसे वो तो अपने हैं बड़े, उनसे मतलब नहीं है, मगर जो गरीब हैं उनको भी देखा जाए। जो GST ये लागू करी गई है, लागू करो अच्छी बात है, मगर आज के दौर में हमारे आँखों देखी, जैसे अगर 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिसमें से 2 बंद हो गई हैं, उन 2 फैक्ट्रियों में हज़ारों की तादाद में लेबर काम कर रहा है, हज़ारों लोगों के चूल्हे बंद हो गए, क्या ये सही है? नहीं, सरासर गलत है, क्योंकि हज़ारों के चूल्हे बंद हो गए, उनके बाद में उसके पीछे उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके बाप, उनके भाई भूखे रह रहे हैं, क्या है जी। एक बात और बताइए, लगातार जो मोदी जी द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा ये क्यों हो रहा है? असल में क्या है कि डीजल के और पेट्रोल के इसलिए दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि आज के दौर में कोई भी चीज़ है, हम हैं, आप हैं, अगर एक छोटी सी बात ले लेते हैं, जैसे एक फ़ोन है, अगर हम तादाद से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो हर चीज़ के बढ़ना ही बढ़ना है, आपको खरीदना पड़ेगा, खरीदना है तो लो नहीं घर बैठो। नहीं, लेकिन कच्चे तेल के दाम जो लगातार गिरते जा रहे हैं, तो उस पर भी मोदी सरकार जो है तेल पर लगाम नहीं लगा पा रही, गैस पर भी नहीं लगाम लगा पा रही है। कांग्रेस सरकार में देखा जाए जो आंकड़े आ रहे हैं तो उसमें लगभग 425 रुपये के एटे बेटे में सिलेंडर मिलता था, आज देख सकते हैं आप 1030 का सिलेंडर मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि जनता जो है वो सोचती है कि हमें सिलेंडर जो है 1000 देना है, बाकी हमारे बाप इधर, मगर कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि 100 में से 95% लोगों का नहीं आता है और 5% लोगों का बिंदास आता है, तो अगर जिनका आ गया वो तो बोलते हैं ठीक है आ गया। अब तुम ये तो सोचो कि जैसे कि आपने अगर एक सिलेंडर लिया तो आपके सब्सिडी 400 आ गई ना, 450 आ गई, अरे 500 आ गई, 500 का मिला तुम्हें, ऐसा मान लो ठीक है, मगर बाकी और जो पिछले उनके बारे में तो सोचो क्यों उनके चले गए। तो एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है केंद्र में या नहीं आ रही है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस को कायदे में इस समय आना चाहिए और 100% 100% कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि इस समय जो दौर चल रही है और जो स्थिति है वो कांग्रेस वाली ही स्थिति है, क्योंकि आज के दौर में अगर कांग्रेस आती है तो जितना भी गरीब है, जितना भूखमरा आदमी है, वो सब कायदे से और अपनी जगह पर आ जाएगा। एक बात और बताइए कि जैसे कि जो है राम मंदिर ऊपर मुद्दा चल रहा है, हम आते हैं कि मंदिर वहीं बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, तो ना तो वो मंदिर बनेगा उधर, जो बना है वही रहेगा, ना मंदिर बनेगा ना वो तारीख बताएंगे। अरे क्या बताओगे, क्या मंदिर बनाओगे, खुद जाके चिल्लाते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और फिर खुद ही कहते हो कि मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे, ये कहाँ का तरीका है। इसी एक बात और देखने के, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बंटवारा कर रही है देश का, हिंदू मुस्लिम जो सब अलग कर रही है बीजेपी, ऐसा लग रहा है आपको? फिलहाल ऐसा शायद 100 में 50% ऐसा ही है, क्योंकि जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको अलग भड़काया जा रहा है और जो मुसलमान समाज के हैं उनको अलग भड़काया जा रहा है, लगभग जितनी भी जातियाँ हैं सबको अलग अलग लेके प्लेटों में सबको अलग अलग करा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो बताया कि राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर का मुद्दा आम चल रहा है इस समय जो है हर जगह चर्चों में राम मंदिर, इसलिए क्योंकि कहते हैं राम मंदिर तो वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि राम मंदिर बनाना ही नहीं इनको है, वही मुद्दा है राजनीति का, वही मुद्दा है, इसी पर जो है राजनीति हो रही है। कैमरामैन असलम खां के साथ मीडिया 9 न्यूज़ मोहम्मद उवैस शाहजहांपुर।